एनएच पर टेम्पो मारी पलटी, दो सवारी जख्मी। एनएच 227 पर गिट्टी बिखरे होने के कारण हुआ हादसा। हरलाखी थाना क्षेत्र के एनएच 227 मार्ग स्थित फुलहर पेट्रोल पंप के समीप सड़क पर गिट्टी रहने के कारण यात्री से भरा टेम्पो पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार दो यात्री जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के हटबरिया गांव निवासी 60 वर्षीय महिला रेशमा देवी व 5 वर्षीय बालक अनीश कुमार के रूप में बताया गया है। वही टेम्पो चालक पिपरौन गांव का बताया जा रहा है। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो पिपरौन की ओर से शहर घाट की ओर जा रहा था। इसी क्रम में एनएच पर गिट्टी बिखरे होने के कारण टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी मार दिया। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में सभी जख्मियों को इलाज हेतु शहर घाट के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फुलहर नचारी चौक से पेट्रोल पंप के बीच उक्त मार्ग पर गिट्टी व बालू होने के कारण आए दिन सड़क हादसा होता रहता है। स्थानीय लोगों ने सड़क से गिट्टी बालू हटाने का मांग पुलिस प्रशासन से किया है। इस बाबत पूछने पर थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांचों उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी यहाँ इस तरफ से टेम्पो आ रहा था पिपरौन की तरफ से, यहाँ कंक्रीट देख सकते हैं आप, वीडियो में दिखाइए भारी मात्रा में यहाँ कंक्रीट छोड़ दिया है। आपका गाड़ी अगर खराब हो गया, कंक्रीट यहाँ रखे गए तो फौरन हटानी चाहिए। टेम्पो उधर से आए हैं, पलटी मार दिया है टेम्पो। यहाँ महिला थी, उसमें पैसेंजर बैठा हुआ था, 4-5 काफी घायल है, उनकी टांग हाथ पूरा टूटा पड़ा हुआ है। शहर घाट रेफर किया गया है। कहाँ का है वो मालूम नहीं है, टेम्पो कहाँ का है और ये इस चीज को किसने छोड़ा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन जो भी छोड़ा ये गलत काम किया गया है सरासा। आपको अगर दिक्कत ही था गाड़ी में, प्रॉब्लम ही था, आप लेके जा रहे थे, साइड करना चाहिए आपको। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। घर कहाँ हुआ? बेता बरसा हुआ। बेता बरसा हो गया है, यहाँ पर बालू गिट्टी रखा हुआ है। जी जी, ऐसे में दुर्घटना को तो काफी आमंत्रित। जी जी, पूरा अभी देखिए ना, अभी इस वक्त भी अगर हम लोग यहाँ से हट जाए, आदमी का अभी जमामरा यहाँ लगा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ से हट जाएंगे फिर दूसरा टेम्पो आएगा, फिर इसी तरह का हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होगा। क्या मांग करते हैं आप इस पर? इस तरह का जो काम करते हैं, जो इस तरह का छोड़ के गए हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप किस रीजन से, क्या है आपके पास? ना रोडों का काम हो रहा है, ना रिपेयरिंग, अगर चलते हैं कि 227 का रिपेयरिंग होना तो नहीं है, पूरा न्यू सड़क है, आप बीच में ले जाकर कंक्रीट छोड़ दिए हैं। पूरा आदमी का टांग टूटा है, ड्राइवर का पूरा टांग टूटा है।